अपॉन 100 प्लस 5 आर, ये दो जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, आर की वैल्यू निकालो बेटा। ए 13000 प्लस 650 आर इक्वल टू 11800 प्लस 118 इंटू 354 आर। 650 में से 354 माइनस करो, टू नाइनटी सिक्स 296 तो आ रहा है। वो तो तुम्हारी बात समझ में आ गई, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। जब तो मैं सोचूं क्या होगा, नेगेटिव में कैसे आ रहा है 13000। हाँ बेटा, प्लस 390 आर इक्वल टू 11800 प्लस 590 आर, तो ये आ गया 208। 130000 और 13000 माइनस 11800 1200, तो आर आ गया 6%। अब आर 6% यहाँ रख दो, तो ये 6% हो गया, तो 1.18 निकालो पी का वैल्यू। 10000, इसका मतलब दोनों बैंक में उसने 10-10 हजार रुपए जमा किए। अरे ये क्वेश्चन समझ में आया है कि सभी को, कि नहीं आया तो दोबारा बता भाई उसने क्या बोला हमसे, तुम भी देखना बेटा। अच्छी प्रॉब्लम है, 11800 एक बैंक में 11800, दोबारा समझना बेटा सब, 11800 रुपए जमा करवाए एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट से। 11800 जमा नहीं करवाए, कुछ अमाउंट जमा करवाया, आपको 11800 रुपए मिले 3 साल के बाद, अमाउंट मिला। तो बेटा अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, पी वन प्लस आर इंटू एन अपॉन 100, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 11800 पी वन प्लस आर बाय 100 इंटू 3। फिर उसने 5 साल में 13000 रुपए मिलेंगे उसी अमाउंट पर, दूसरे बैंक में जमा करवाए सेम अमाउंट, तो 5000 5 साल बाद 13000 रुपए मिल रहे। तो 13000 इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय 100 इंटू 5, डिवाइड कर दो भाई इसको इससे, पी से पी हट जाएगा, तो ये आ गया 500 प्लस 5 आर, 100 प्लस 3 आर, आर की वैल्यू निकाल ली 6%, और पी आ गया आपका 10000। चलिए और हाँ, टीवीएम का डाउट ऑनलाइन में से कोई पूछ रहा है, टीवीएम के डाउट 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920 इन 3, कोई बुक का क्वेश्चन है कि कहीं और का है, ये बता पहले टेस्ट का है, टेस्ट में जो आपने करवाया हुआ है दिया। अच्छा था। नहीं भाई बुक का होगा तो मैं देख के बता दूं डायरेक्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूं। चलो भाई हाँ तो बोल गुनगुन। यस सर बोल। रुपीज 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920 920 सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो 120 भाई आपका प्रिंसिपल हो गया, कितने ईयर में? 3 इयर्स में। 3 इयर में तो आर बाय 100 हो गया आपका 5% हो गया भाई आर। सर ये 120 कैसे लिखा? अरे बेटा 920 रुपए तेरे को मिले 800 रुपए के, तो 120 इंटरेस्ट हो गया ना बेटा। अच्छा अब क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है बेटा? इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, 3% इंक्रीज कर दे, 8% हो गया बोल। तो अमाउंट होगा 800 इनटू 8 बाय 100 इनटू 3, बोल बोल। अब ये अमाउंट हो गया आपका, अमाउंट 800 में ऐड करेंगे भाई प्लस 800, बोलो कितना आ रहा, 992 आ गया समझ में? अरे बेटा आया समझ में, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट तुम बोलो, किसी का डाउट है टीवीएम का? पहले टीवीएम बता रहा हूँ, टीवीएम का कोई डाउट किसी का? इधर यहां से नहीं है किसी का, ऑनलाइन में है कोई टीवीएम का डाउट वाला? सर एक 32 वाला ही उसका नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, बेटा बोलो मत प्लीज, पीछे
इधर देखते रहो, देखो हाँ डिफरेंस सी आई और एस आई का कितना है बोलना। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन सर्टेन सम एट 12.5% फॉर 3 इयर्स। बोलती जा। ₹250 है। सम फाइंड करना है। यल्ले। सर ये तो मैंने भी कर लिया था, पर इसमें ना अमाउंट मतलब वो आंसर नहीं आ रहा था। जैसे अपन इसको सॉल्व कर लिया। अरे अभी आ गया तो तू तो ये बता आ गया तो क्या करें? सर आप करवाते तो करना। अरे यार तो तू कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1.125 का पावर 3 करो। अरे रुक तो जा। इनको करने दे। 1.125 की पावर 3 करो, -1 करो और माइनस ये हो गया आपका -0.375 करो, नहीं 0.375 थोड़ी होगा 0.048828 नहीं नहीं पॉइंट हाँ तो कितना आया 0.048 अभी आ रहे हैं दो और इनका भी आने दो। ये इसका 5120 के 0.0048828 अब 250 को इससे डिवाइड करो 5120 नहीं आ रहा तेरा आंसर? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा गुनगुन? नहीं सर ये 5120 250 को इससे डिवाइड करें। यार डिवाइड इधर जाके डिवाइड नहीं होगा क्या? हाँ सर ऐसे होगा ना मतलब 0.0488 को डिवाइड इक्वल टू। अरे हाँ डिवाइड इक्वल टू और इनटू 250 इनटू 250 5122 5122.9 हाँ जो भी है 5120 के करीब आ रहा है ना, फिर क्या दिक्कत आई बेटा? सही तो आ रहा है। चलो कोई बात नहीं आ गया ना। अभी ये मत देखो पहले आ रहा था कि नहीं आ रहा था, अभी आ गया ना बस ठीक है। Yes, आगे बोलो, आगे बोलो भाई। नेक्स्ट और कोई पूछ रहा है? टीवीएम पहले टीवीएम कंप्लीट कर लो। टीवीएम बेटा और कोई डाउट बोलो, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टीवीएम नहीं है? नो सर। और कोई फिर इसके बाद आपका इधर इक्वेशंस में है कोई डाउट? पहले मैं टेस्ट के करवा रहा हूँ फिर उसके बाद आगे चालू करेंगे। इक्वेशन में कोई डाउट? चलिए स्टेट में कोई डाउट भेजा हुआ है? स्टेट में तो मेरे को 2-3 डाउट भेजे हुए हैं कुछ स्टूडेंट ने। कोई है जिसने भेजा था स्टेट के डाउट? किसी ने भेजा था मुझे? चलो तुम्हारे डाउट बोलोगे, ये तो नहीं बोल रहे कोई भी। 14 वाला देखो भाई, इधर क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है? इधर देखना बेटा पहले, अभी बाद में बोलना, पहले इधर देख लो। अ पर्सन एज एट 19 इयर्स लिव द ग्रुप ऑफ एक्स पर्सन। एक पर्सन की एज 19 इयर्स है, उसने ग्रुप को लीव कर दिया ऑफ एक्स पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन एक्स है। हुज एवरेज एज बिफोर ही लीव्स वाज वाई इयर्स। वाई इयर्स एवरेज एज है तो टोटल हो गया भाई एक्स वाई। अब उसने लीव कर दिया तो टोटल कितना रह गया? एक्स वाई माइनस 19। जस्ट व्हेन लेफ्ट अनदर पर्सन एज एट 59 इयर्स। 19 प्लस 59 इयर्स एंड डी टू जो द ग्रुप एज वाज इंक्रीज बाय, द ग्रुप एज वाज इंक्रीज बाय 10 इयर्स। तो पहले की एज कितनी थी? X 10 years 29। अरे ये 19 नहीं सॉरी Y एज थी ना ग्रुप Y प्लस 10, तो एक्स वाई प्लस 40 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 10X, तो X इक्वल टू 4, तो 4% था। क्या हुआ?
आया भाई, इसने क्या बोला था आप भी समझना भाई जितने भी लोग हैं। इसने बोला कि एक्स पर्सन है एक ग्रुप में और उसकी एवरेज एज है वाई, तो टोटल हो गया भाई आपका एक्स वाई, भाई एक्स से एवरेज वाई एवरेज है और एक्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, तो टोटल कितना हो गया हमारा एक्स वाई। अब उसमें 19 साल वाला चला गया तो एक्स वाई माइनस 19, आ गया 59 वाला तो प्लस 59, तो टोटल तो उतने ही स्टूडेंट हो गए, एक्स ही स्टूडेंट हो गए। अब एवरेज एज 10 से बढ़ गई तो वाई से वाई प्लस 10 हो गई, तो अब टोटल कितना हो गया एक्स इंटू वाई प्लस 10, और ये भी सेम है, दोनों सेम है, दोनों को सेम कर दिया एक्स इक्वल टू 4। चलिए और अच्छा, इधर बेटा ऑनलाइन में कोई डाउट किसी भी चैप्टर का? चलो चालू कर। सर मैंने पूछे थे स्टेट के डाउट, सिटिंग अरेंजमेंट में दो क्वेश्चन डायग्राम नहीं बन रहे। अच्छा चिन्ह में, तो बेटा क्या क्या पूछा था बोल देता जा, पहले आप मेरे को स्टेट के डाउट बोल चिन्ह में। बेटा माइक स्टार्ट करके बोलना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कौन सा था, या तो एक्सरसाइज बता दे। एक तो याद है मुझे चैप्टर नंबर 1 निकालना बेटा, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वर्कर वाला ना जिनमें, अरे एग्रीकल्चर वर्कर और इंडस्ट्रियल वर्कर वाला ना। नहीं नहीं सर, वो 10 स्टूडेंट्स आर ए टू जे आर सिटिंग वाला है सर, 11.11 पे है सर। अरे नहीं रे, मैं पहले स्टेट की पूछ रहा हूँ तुमसे, रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं स्टेट्स का तो नहीं, रीजनिंग का ही पूछा था सर, उसमें स्टेट्स गलत लिख दिया, रीजनिंग का ही पूछा था। अच्छा रीजनिंग का इसमें नहीं मिलेगा अंदर बेटा। 11A का क्वेश्चन नंबर, 11A का क्वेश्चन नंबर 18 और मतलब 18 टू 22 एक ही है, उसका डायग्राम बता दो। चलो भाई 18 टू 22, 11A का 18 टू 22 जो एक इसमें नहीं मिलेगा। चलो बोल बेटा एक जना बोल। 10 स्टूडेंट्स आर ए टू जे, हाँ, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट, वेस्ट अरे रुक जा फेसिंग वेस्ट, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, तो बी और एफ एजेस पे नहीं बैठे हुए हैं, आगे बोल। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग, अब देखो इधर की तरफ देख रहे हैं तो आप भी इधर की तरफ देख लो, जी इज सिटिंग लेफ्ट, तो लेफ्ट ऑफ बी, तो ये जैसे मैं बी हूं तो बी के लेफ्ट में, बी दोबारा बोल पूरी लाइन, ये ठीक है, आगे बोल। एंड एच इज सिटिंग टू द राइट, तू मत बोल बेटा चिन्ह में तू मत बोल, यहाँ पर बोल रहे हैं एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे। चलिए E and A. ठीक है आगे। I is north of B. आगे। F is south of D. तो F नीचे आएगा भाई। F is south of D. तो F यहाँ कहीं आएगा इधर। आगे बोलो। J is between A and D. J is between A and G is between A and D. अच्छा ये जे है क्या, तो फिर ये ऊपर हो गया ना बेटा, ये लो क्या था, एस था ना,
नहीं कौन कौन आसपास बैठे थे? बुक ही ले लो ज्यादा बढ़िया। अरे मेरे पास है ना, तुम रुको रुको सब है मेरे पास, यही फालतू में अपन वो कर रहे, रुक जा बेटा अभी सब बना रहा हूँ। एटीन से 22 ना जल्दी दोबारा देखना भाई। बी एंड एफ आर सिटिंग नाइदर ऑन द एजेस, ये इधर की तरफ देख रहे हैं। अब इसने बोला है कि जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी तो जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। फिर इसने बोला है एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे। मैं कहीं भी बना दूं क्या? बाद में देखेंगे। एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, अभी जरूरी है इस चारों आसपास है। हाँ, देयर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में 4%। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, तो बी के बाद इधर ए आई आएगा। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, बेटा नॉर्थ ऊपर की तरफ, मतलब आई ऊपर आएगा बी नीचे आएगा। एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ नीचे आएगा डी ऊपर आएगा, ऐसे एफ इज साउथ ऑफ डी। J is between A and D. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। J is between A and D. तो या तो A इधर होगा या इधर होगा। J is between A and D. अच्छा J ऊपर आ गया ना, A H के नीचे A आ गया। J is between A and D. ये तो फिक्स हो गया। अब इसने बोला है and G is in E and F. जी ई और एफ के बीच में, जी ई और एफ के बीच में, तो ई इधर मान लो एफ इधर मान लो। अभी देख लेते हैं। अब ए और ई के बीच में चार जने हैं, बिल्कुल सही है। ए और ई के बीच में चार जने हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक आ गया तेरे को चिन्हें? अरे यहां तक आया समझ में चिन्हें? हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा बोलना यार, फिर ऐसे क्या बात करा, सो गया सर? मैं मैसेज कर दिया था, वो देखा कोई बात। अरे मैसेज वैसे मत कर, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अब देखो इसने, हाँ अब ये कितने जने हो गए हमारे? तीन तीन छह और एक सात, टोटल जने कितने हैं? 10। अब हमारा क्या बचा है? अब कौन कौन सी कंडीशन बची है देखो, एक तो कौन बाकी है, बी बाकी। अब देखो उसने क्या बोला, डी और एफ नीचे आएगा भाई, तो डी एफ नीचे आ गया, चलो ये तो क्लियर है। और आई ऊपर आएगा, आई ऊपर आएगा, आई ऊपर आएगा और बी, अच्छा यहां आएगा, आई यहां आएगा और बी यहां आएगा, क्योंकि उसका उसने बोला आई इज नॉर्थ ऑफ बी। चलिए अब यदि इसको कर देते, क्योंकि इसको नहीं छेड़ सकते बेटा, इन चारों को इनको छेड़ नहीं सकते आप। एच और सी के जी बीच में, चलो बस लो एच और सी के बीच में, ये लो एच और सी के बीच में दो जने, ये हो गया भैया टोटल। एच और सी के बीच में दो जने, अब आया? यस सर, यस सर। चलो ये बनेगा। नेक्स्ट और बोलो,
सर एक इसके बाद वाला ही है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस। एक मिनट लिए पहले कोई दूसरा जना पूछ रहा है, वो मैं बता देता हूँ ना okay. तेरे को बता रहा हूँ। नेक्स्ट भाई, पिछला वाला पेपर भी डिस्कस करना है, जिसने कर लिया है। ये प्रियंका बोल रही थी पिछला वाले पेपर डिस्कशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, अ मिल्कमैन कैरीज ए वेसल ऑफ फुल ऑफ मिल्क, द कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 40 लीटर। भाई एक मिल्कमैन के पास 40 लीटर का कैन है, उसने 10 लीटर पहले घर में दे दिया और उसने उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ, तो 30 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। जितना लीटर पानी दे दिया उतना लीटर पानी उसने मिला दिया, भाई जितना लीटर मिल्क दे दिया उतना पानी मिला दिया उसने, तो 10 लीटर मिल्क दे दिया तो अभी भी 40 लीटर है, लेकिन 30 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर, उसने ऐसा बोला। एट द सेकेंड हाउस एंड द थर्ड हाउस ही डज द सेम थिंग। अब यहां पर आपका 3:1 के रेशियो में है, अब इसने 10 लीटर दे दिया, तो 10 लीटर दे दिया तो पानी कितना दिया, 40 लीटर है तो उसने 7.5 लीटर तो दिया मिल्क और 2.5 लीटर दिया वाटर, 10 लीटर दिया ना। अरे कैसे निकाला, 3/4 × 40, 30 लीटर, 30 लीटर, तो ये हो गया आपका। भाई आपने तो 10 लीटर दिया ना, तो 10 लीटर में 30 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। अब 30 लीटर मिल्क अब इसने जो आपको दिया है, तो मतलब ये 3:1 के रेशो में, अब जो 10 लीटर दिया होगा तो 3:1 मतलब 7.5:2.5 ही तो होगा, ये मिल्क देगा और ये वाटर देगा। हाँ 10 का 3/4, 10 लीटर दिया ना उसने, तो 10 का 3/4 कितना हो गया, 7.5 लीटर। अब इसने यहां पर मिल्क दे दिया तो मिल्क कितना बचा, 22.5 लीटर, और वाटर जोड़ लिया तो 7.5 लीटर और जोड़ दिया, इसमें 2.5 लीटर तो चला ही गया, तो 15 कितना बचा, ये 30 में से 7.5 गया तो 17.5 लीटर कितना बचा भाई। अरे यार उसने क्या किया, 40 लीटर मिल्क था, उसने यहां 10 लीटर पहला हाउस 10 लीटर मिल्क दे दिया, तो आपके पास बचा 30 लीटर तो मिल्क बचा और 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है 40 लीटर ये टोटल। अब इसमें से उसने क्या किया, 10 लीटर दे दिया तो 10 लीटर का 3:1 तो मिल्क दिया उसने 3/4 × 10, 7.5 लीटर तो मिल्क दिया और वाटर दिया उसने 1/4 × 10, 2.5 लीटर वाटर दिया, इसका मतलब उसने दे दिया बचा 22.5 लीटर और 7.5 लीटर बचा, और फिर 10 लीटर वाटर एड ऑन कर दिया, बाकी जो बच्चा दिया था उसने 10 लीटर। अब कितना बचा भाई आपका, 22.5 लीटर तो मिल्क बचा, 17.5 लीटर वाटर बचा। अब इसका रेशियो कितना है वो देख लो आप, इसका रेशियो निकालो भाई 25 से कर लो, 25 × 9 × 7, सही है ना, 9:7 के रेशियो में आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है लास्ट में ये बताओ, व्हाट इज द रेशियो वाटर एंड मिल्क व्हेन द ही हैज फिनिश्ड थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में होने के बाद कितना रेशियो है। अब देखो सर, अब 9:7, अब 10 लीटर और दिया उसने, तो 10 लीटर का आपका 9/16 × 10 निकालना कितना आ रहा, 5.625। अब 22.5 में से 5.625 माइनस करो, 875।
और फिर आपका 7/16 इंटू 10 कितना माइनस करो भाई इसमें से 17.5 में से। अब ये रेशियो निकालो आपको जो भी है, ये रेशियो आंसर, अब जो भी ये रेशियो आएगा वो आंसर है। आ गया समझ? अब ऐसे बेकार क्वेश्चन है ये, यूं ही बना रखे हैं फालतू। हाँ इतना इतना लेंदी वो तो। चलिए और तू बोल रहा था बेटा भाई, रीजनिंग के अभी डाउट देख रहे हैं, अभी तेरा लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके अलावा और तुम्हारा कोई डाउट? हाँ एक क्वेश्चन और भाई तुम देखना बेटा, सब बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। उसने बोला 5 बॉल्स है, मैंने बाद में जाके सोचा और 3 बॉक्स। अब उसने बोला है किसी भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं कि कम से कम एक बॉल तो होनी चाहिए सब, मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो पहले तो टोटल केस निकाल लो 3 की पावर 5। अब मैं मान रहा हूं कि सपोज ये खाली है, तो खाली कितने तरीके से होगा, या तो ये खाली होगा, और मैं मान रहा हूं कि यदि ये खाली है तो इसमें क्या क्या जाएंगे, 5 बॉल है तो इसमें 5 बॉल इन दोनों में जानी है। तो पहले तो ये बोलो ये 3 केस, या तो ये खाली होगा या ये एक खाली होगा कोई भी, 3 इंटू। अब 5 कोई भी 5 बॉल जाएगी, टू की पावर 5 कैसे आया भाई? आपके पास कितनी बॉल बची है? अब 5 बची, अब इन दोनों में बॉल जा रही है आपकी, अब इन दोनों में बॉल जा रही है, तो भाई इन दोनों में बॉल जाने के तरीके कितने होंगे? अच्छा 2 की पावर 5 में फिर वो वाला केस भी आ जाएगा जिसमें किसी एक में चल जाए। एक मिनट के लिए चलो करो तो सही, 2 की पावर 5। सर 2 की पावर 5 -1 कर सकते हैं ना? -1 कैसे करेगी बेटा, -3 करना पड़ेगा। नहीं वो एटलीस्ट वाला केस लेते हैं तो उसमें फिर कोई खाली नहीं रहेगा ना। हाँ तो वो 3 इंटू, फिर ऐसे बोल रही है तू? हाँ तो वो एक ही तो बात होगी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा। निकालना कितना आ रहा है? अभी एक इसमें एक दो केस का लफड़ा हो गया, 144 आ गया। -1 तो नहीं होगा बेटा, नहीं हो सकता ना कि 2 बॉक्स खाली हो। रुको रुको फिर, एक कम से कम एक बॉक्स खाली रह गया ना यहाँ पर, एक सेकंड। अब देख देखो मैं समझा रहा हूं, करो ना कितना रहा, 150 ये सही है बता रहा हूं।
माइनस थ्री नहीं होगा, प्लस थ्री होगा। वो जो बोल रही थी ना वो सही बोल रही थी इस तरह से। टू की पावर, वो मैंने माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, माइनस माइनस प्लस होगा ऐसा है। अब देखो इसने क्या बोला, समझना, टोटल नंबर ऑफ बोल तो थ्री की पावर फाइव होगा, उसमें से मैं आपसे बोल रहा हूं कि कम से कम दो में एक में जाने का तरीका, तो टू की पावर फाइव माइनस वन, कम से कम एक में तो जाएगी सही, तो टू की पावर फाइव माइनस वन वो हटा दो, तो बाकी तो आपके सारे हट ही गए ना, तो बचा तो वो है कम से कम एक बोल तो जाएगी सही। टू की पावर फाइव माइनस वन वो वाला केस हटा दिया जो सब में वो है। तो अब इसको करो, 243 माइनस 3 2 की पावर 5 ये कितना हो गया 31, तो 93 150 बिल्कुल सही 150। चलिए अगला सिमोनी, और कोई डाउट सर? टेस्ट किसी में का टेस्ट, हाँ टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, रुको। इसके अलावा तुम में से है टेस्ट पेपर डिस्कस कर लूं पहले? बेटा चिन्मय मैं तेरा बता रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं तेरे को भेज दूंगा, चिंता मत कर। टेस्ट पेपर पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे जने टेस्ट पेपर के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो टेस्ट पेपर, हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ, बता दूंगा सब बता दूंगा, मैं यही हूँ। चलो टेस्ट पेपर 1 to 10, प्रियंका बोल बेटा 1 to 10, टेस्ट पेपर 1 to 10, लास्ट टेस्ट पेपर 1 to 10, 1 3, 1 3, 1 to 10 ही बोलना बस अभी, 1 3, और कोई किसी का डाउट? टेस्ट पेपर, लास्ट टेस्ट पेपर 1 to 3, 1 3, 1 to 10 में पेपर देना पड़ेगा मुझे। चलिए पहले 1 देखिए, बेटा मैंने आपसे बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, पहला ऑप्शन गोफ थ्री, गोफ थ्री मतलब जी ऑफ एफ थ्री, एफ थ्री मतलब इसमें थ्री का स्क्वायर बोलो 9, तो जी में एक्स की जगह 9 रखो 3, तो 3, तो पहला ऑप्शन सही हो गया ना बेटा प्रियंका, पहला ऑप्शन सही हो गया ना, कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? हाँ या ना बोलो तभी आगे चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी करवाया, एक एग्जांपल देके समझाया था, टेस्ट पेपर बनाने के बाद अगले दिन मुझे याद आया कि यार ऐसा प्रॉब्लम बता देता हूँ तुम्हें। ए है ए बी सी डी, पी है पी क्यू आर एस, और Which of the following relation is a function from A to B? अब देखो relation पहला one, पहले वाले का answer को देखो, A B C D P Q R S, पहला बोल रहा है A P से related है ठीक है, B Q से related है ठीक है, C S से related है ठीक है, लेकिन D का क्या? इसलिए ये function नहीं है, इसलिए ये function नहीं है। तो अब last वाले को देखते हैं भाई, A P से है, बी आर से है ठीक है, सी क्यू से है तो ठीक है, इसको हटा दो, और डी एस से बिल्कुल सही है, सब किसी ने किसी से रिलेटेड है, तो डी किससे? बी डी एस से, और सी सी क्यू से, ठीक है। अब देख ले बेटा, सब किसी ने किसी से रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन है डी वाला, बाकी कोई भी फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, डोमेन में कुछ नहीं छूटा हुआ रहना चाहिए और किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। चलिए 1 to 10 में और किसी को कोई डाउट? 11 to 20 तेरे, 11 to 20, 11 to 20 में किसी को कोई डाउट? 11 to 20 में किसी को कोई डाउट? 21 to 30,
21 टू 30 में किसी को कोई डाउट? वो तो मुझे पता है सारे रीजनिंग में आएंगे डाउट, एक तो करेक्शन है। 21 टू 30 में किसी को कोई डाउट? मैथ्स में तो क्या वो आएगा जो आंसर है वो 21 टू 30 नहीं है? तो बेटा 1 टू 30 में किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? 29 में आंसर ट्रांजिटिव है, 29 का आंसर ट्रांजिटिव है बेटा। 1 से लेकर 30 तक कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई आप रीजनिंग पे आ जाते हैं। 31 टू 40, 33, 34 कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ तो अब वही दोबारा बताना पड़ेगा ना, ये तो सब नए, वो तो अपन ने यहाँ पर ऑफलाइन किया था। 33 मुझे लगा था ऑफलाइन में आ जाएंगे सब। 33 और 34, 33 है आपका 4, 12, 44, 176, 890, 4 × 2 + 4 12 × 3 + 6 42 × 4 + 8 और 176 × 5 + 10 ये आएगा बेटा। इसका मतलब 44 गलत हो गया, 44 गलत हो गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? 34 प्राइम नंबर 7, 23, 47, 119, 167, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1। हाँ स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू, 5 का स्क्वायर माइनस 2 - 2, 11 का स्क्वायर माइनस 2। हाँ क्यूब नहीं है बेटा, स्क्वायर। तो इस लास्ट आएगा 17 का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है बेटा? 17 का स्क्वायर। तो 31 से 40 में 33, 34, इसके अलावा 31 से 40 में 33, 34 के अलावा बेटा और किसी को कोई डाउट? 36, 37 और 38 और 36, 37, 38, 40 बस 36, 37, 38, 40 और कोई? 40 तक बोल रहा हूं। चलिए देखो, माधुरी मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। She then turned to the left and walking for about 25 meter. Turn left again and walk 80 meter. तो 80 meter का मतलब है यहां से 5 meter और नीचे, 80 meter. Finally, she turned to her right. 45, अब देखो यहाँ पर ये है, इधर की तरफ आ रही है राइट, मतलब वो इधर की तरफ जाएगी, लेकिन 45 डिग्री तो बेटा यहाँ आएगी। इन विच डायरेक्शन वाज सी मूविंग फाइनली, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? साउथ वेस्ट में जा रही है। इसमें करेक्शन था, 45 डिग्री जा रही है, तो 45 डिग्री राइट का मतलब है वो क्लॉकवाइज मूव करेगी,
अब क्लॉकवाइज मूव करेगी, राइट का मतलब, तो बेटा क्लॉकवाइज कितना मूव कर रही है, सिर्फ 45 डिग्री मूव कर रही है, तो आंसर इसका साउथ वेस्ट आएगा, इसमें करेक्शन था, क्लियर है, इसमें करेक्शन था, इसका आंसर साउथ वेस्ट आएगा, क्लियर। चलिए 36 के बाद 37, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, सेवेंटी डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, अच्छा अब देखो 70 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब प्लस, फिर आपका जा रहा है 300 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस, नाउ इन, तो ये टोटल गया 370 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो प्लस 1 डिग्री 10 डिग्री, तो 10 डिग्री मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और 10 डिग्री जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। भाई हमेशा जितने भी एंगल गिवन है क्लॉकवाइज को प्लस मान लो और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लो, किसने पूछा है बेटा, क्लियर है, 70 डिग्री प्लस क्योंकि क्लॉकवाइज है, 300 डिग्री प्लस क्लॉकवाइज है, 370 डिग्री 360 कभी भी माइनस कर सकते हो आप, तो प्लस 10 डिग्री आया, प्लस 10 डिग्री मतलब नॉर्थ से राइट की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज की तरफ, तो क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट। ये 37, 38 देखो, संगीता लीव फ्रॉम हर हाउस, सी फर्स्ट वॉक 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन and 30 meter in the southwest direction, 30 meter in the southwest direction, ek minute dikh raha hai ki nahi dikh raha, ko dekh raha, chaliye fir iske baad kya bol raha hai, then next he walk 30 degree in south east direction, north east hai south east hai, south east hai beta, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फाइनली सी टर्म्स फाइनली सी टर्न टुवर्ड्स हर हाउस, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, देखो तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, फाइनली कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, क्लियर है, अरे बेटा किसने पूछा था, क्लियर है, 38 बोलो तो सही, हाँ या ना, ठीक है, 40, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, ये रहा ओल्ड मैन, हिज सन इज, अब कौन बोल रहा है, माय, हिज सन इज माय, his son is my son's uncle, okay, his son is my son's uncle, ek minute ruko, his son is my son's uncle, how is Kailash is related to old man, dobara dekhte hain bhai, either son, सन इन लो भी हो सकता है, सही बात भाई, सन या तो सन है, हैं, हाँ भाई सन तो है ही है, तो हिज सन इज माय सन्स अंकल, तो अंकल का मतलब मामा भी होता है बेटा, तो या तो वो इसका सन इन लो होगा, हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू ओल्ड मैन, या तो ओल्ड मैन का क्या होगा, या तो सन होगा और सन नहीं होगा, तो सन इन लो होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा,
आया, किसने पूछा था बेटा, किसने पूछा था? क्लियर है? चलिए 41 to 50, बोलिए बेटा 48 और 42, 42, 48, 43 लिखते रहना, 42, 43, 48 और बस 42, 43, 48, 44 और चलिए 42, 43, 44, 48, 42 फाइव चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है, आपकी मॉड्यूल का प्रॉब्लम है बार बार, ये तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब टी इधर हो सकता है। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, मतलब पी के बाद ही है। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, लेकिन टी से पहले एस हो सकता है, टी के बाद एस है लेकिन टी के बाद नहीं है, मतलब टी से पहले तो हो सकता है, ये है बेटा इसका मतलब। आगे क्या बोल रहा है? के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर और के इज ऑन एक्सट्रीम एंड, तो के यहां होगा भाई। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के इज ऑन द एक्सट्रीम एंड, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, ठीक है बेटा यही आएगा। अब क्या बोल रहा है? एस के एडजेसेंट कौन है? पी एंड टी। ये भाई आपको क्लास में भी बताया था, मॉड्यूल का प्रॉब्लम है ये। एस के एडजेसेंट कौन है? पी एंड टी है। क्लियर? चलिए 43, फोर गर्ल्स आर सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ। बेटा फोटोग्राफ में क्या है, ये उस दिन भी डिस्कशन हुआ था, फोटोग्राफ में जो हम सामने से देख रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। भाई सामने उसके लेफ्ट में जो है हम सामने से देखेंगे तो राइट में हो जाएगा, वो चक्कर है इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है ये समझो, फोर गर्ल्स आर सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ, सिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, सिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, मंजू इज राइट ऑफ रीना, रीटा इज बिटवीन ये कौन थी? रीना एंड मंजू, ये कौन थी फिर? रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, ऐसे रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू। हु इज सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ? रीटा, इधर से, क्योंकि हम इधर से देखेंगे तो लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में लेफ्ट कौन होगा? रीटा होगी, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। हाँ वैसे ही बनेगा, बस इधर से देखेंगे क्योंकि फोटोग्राफ है ना, इसलिए उसने बोला सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में क्या है वो चीज, वो तो खुद अपने बारे में बोल रही है, लेकिन अभी अब बोल रहा है सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ। चलिए 40 के बाद, 43 के बाद 44, देखो भाई 44, some fools are intelligent भैया वो तो अपने खुद के बारे में बोल रही थी, अपन सामने से देखेंगे तो अलग हो जाएगा। All intelligent is great. Conclusion one, some fools are great, सही है। दूसरा, all greats are intelligent, गलत। बेटा ये किसने पूछा, इसमें क्या दिक्कत आई थी बेटा, कोई दिक्कत आई जो बताओ मुझे, और दिक्कत नहीं अभी क्लियर है तो फिर आगे चलें। बेटा इसमें दिक्कत क्या आई ये समझा दो मुझे,
सर डायग्राम गलत बना था। अरे यार डायग्राम तो यही बनाना चाहिए था ना बेटा। ठीक है अब हाँ सर 45 भी पूछ लिया भाई किसी ने। 45 गुनगुन देख गुनगुन सोहन इज ए गुड स्पोर्ट्समैन। सोहन गुड स्पोर्ट्समैन यस सर। सोहन इज ए गुड स्पोर्ट्समैन आया समझ में। ये इंपॉर्टेंट है इसमें बस गुड भी है और स्पोर्ट्समैन भी है। फिर सेकंड है स्पोर्ट्समैन इज हेल्दी। स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। अब वो गुड स्पोर्ट्समैन है तो जितने भी स्पोर्ट्समैन है वो क्या है हेल्दी है। तो सोहन इज हेल्दी बिल्कुल सही है। ऑल स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी जरूरी नहीं है बेटा गुनगुन। ऑल स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी जरूरी नहीं है। बीच के पार्ट छूटे हुए हैं। आई यस सर। अरे उसने बोला पहला स्टेटमेंट है सोहन इज हेल्दी। सोहन हेल्दी है कि नहीं ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है ऑल स्पोर्ट्समैन आर नहीं 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 दूसरा बोला उसने हेल्दी नहीं पूछा। ऑल स्पोर्ट्समैन आर गुड तो वो सही है हेल्दी तो है सॉरी। चलिए 45 के बाद 48 देखना भाई। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज सबो येरस का विलेज है एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर After which he stopped for the breakfast. Then he turned left and drove another 30 kilometers. When he stopped for lunch, after some rest again, he turned left and drove 20 kilometers. मतलब वापस वहीं आ गया भाई 20 kilometers. फिर आगे बोल रहा before stopping for the evening tea. भाई आफ्टर कहां पर आ गया भाई कहां पर से यहां से लेफ्ट जा रहा है 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद तो इवनिंग टी के बाद कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ईस्ट में मूव कर वापस आ गया लेकिन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ईस्ट में मूव कर रहा है। क्लियर है किसने पूछा था ठीक है भाई 48 के बाद और कोई डाउट और कोई डाउट। चलिए इसके अलावा एक बचा है उसका चिन्मय का तुम्हारा कोई डाउट किसी का और कुछ भी एक मिनट में चिन्मय का बता दूं भाई 47 भी पूछ रही रूपों में एक मिनट के लिए 47 47 क्या है बेटा तू बता दे इसने बंद कर दिया क्या है। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं निकाल दिया भाई। ए इज फादर ऑफ सी ए इज फादर ऑफ सी एंड डी सन ऑफ बी डी सन ऑफ बी E is brother of A. E is brother of A. C is sister of D. C is sister of D. किसकी नहीं नहीं नहीं। So answer is how is B is related to B?